भोर की तरफ में क्या हुआ करता था, लोग कैसे रहते थे, शहर का शेड्यूल कैसे बना हुआ है, शहर का अंदरूनी किला कौन सा है, बाहरूनी किला कौन सा है। एक VIP आलीशान मस्जिद तैमीर करवाया, जो मस्जिद तो अभी बन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हो, ठीक हो? और फर्स्ट टाइम हम ट्रेवल में यूट्यूब करेक्ट कर रहे हैं और वली भाई भी मेरे साथ है। तो हमारा वे आज है वो बम्भोर की तरफ है। वली भाई, कुछ इसके बारे में रोशनी अगर आप डाल सकते हो तो बम्भोर के हिसाब से क्या शहर था, क्या आसार कदीमा है वहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आज 14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है अपना पाकिस्तान का। तो बारिशों की वजह से मौसलाधार बारिशों की वजह से मौसम ख़राब है, तो कहीं निकलना नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि अभी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बना लेते हैं, थोड़ा बम्भोर पे विज़िट कर लेते हैं। तो बम्भोर सिंध का एक तारीखी और कदीमी बहुत पुराना शहर है। बम्भोर के अगर आसार पे जावें, बम्भोर में जो अजायब घर है उसमें रखे हुए, उसके जो अजीब अजीब चीज़ें पुराने हैं उस पर जावें तो काफ़ी तारीखी चीज़ें मिलते हैं वहाँ पे। बहरहाल हम आपको आज़ाद तौर पे तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बिल्कुल कैमरे के ज़रिए लाइव दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ वहाँ है और कौन से दौर के हैं, क्या था सिस्टम वहाँ पे, उस ज़माने में क्या हुआ करता था, लोग कैसे रहते थे, शहर का शेड्यूल कैसे बना हुआ है, शहर का अंदरूनी किला कौन सा है, बाहरूनी किला कौन सा है, मेन गेट जो है शहर का कौन सा है, और ताजर आते थे अरबस्तान से, ईरान से, दूसरे ममालिक से जो ताजर आते थे वो कौन से रास्ते से आते थे, कैसे आते थे और इस शहर में आके क्या करते थे, और वहाँ के जो लोग वहाँ रहते थे उन लोगों का गुजर बसर कैसे होता था, वो कैसे किस सिस्टम में रहते थे वो, और शहर किस सिस्टम से बना हुआ है। उसके बाद पहले तो मेरे ख्याल से राजा दहर नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, मतलब हिंदुओं की हुकूमत थी, गैर मजहबों की हुकूमत थी बम्भोर शहर पर। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम एक अरब शहजादा, मोहम्मद बिन कासिम अरबस्तान से आया अपने लश्कर के साथ, अपने फौजियों के साथ, और उसने आके बम्भोर को आज़ाद किया। पहले राजा दहर की फौज के साथ उसकी लड़ाई हुई, जिसको जंग भी हम कहते हैं, जंग हुआ। उसके बाद इन लोगों ने अपने इस्लाम का परचम बुलंद किया बम्भोर के शहर के ऊपर। उसके बाद जो बड़ा मंदिर था, सबसे बड़ा मंदिर बम्भोर शहर में था, मंदिर को ख़त्म करवाया, नामूस करवाया मंदिर को। उसके बाद मंदिर के बाजू में मोहम्मद बिन कासिम ने एक VIP आलीशान मस्जिद तैमीर करवाया, जो मस्जिद तो अभी बम्भोर शहर गर्क हो चुका है उसका, लेकिन फिर भी फ्रेश नुमा मौजूद है, डिमार्किंग सिस्टम मौजूद है वहाँ पर। हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अपने वीडियो में वहाँ पहुँच के कि भाई मस्जिद कैसा सिस्टम से बना हुआ है और कहाँ पे बना हुआ है। दूसरी बात तो शशि पुनू का यहाँ दास्तान बहुत मशहूर है बम्भोर से, उसके हिसाब से अगर कोई आप रोशनी डाल सकते हैं, शशि पुनू जो कि यहाँ से एक धोबी घाट के घर से मतलब के पला था, उसके बाद क्या क्या हुआ, आपको शायद इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही पता होगा। जी बिल्कुल सलाम भाई, शशि पुनू का लाजवाब इश्क का दास्तान तो वैसे ही बम्भोर शहर को मशहूर भी शशि पुनू के नाम से ही है, शशि का शहर लोग कहते हैं यहाँ पे। हमारे इलाके में तो लोग ये कहते हैं भाई बम्भोर बम्भोर कौन सा, बम्भोर शशि वाला शहर। तो किस्सा कुछ यूँ है, मुस्तसर है कि शशि एक मोहम्मद खट्टी नाम है उसकी बेटी थी, हालांकि पीछे से अगर दास्तान देखते हैं तो उसकी बेटी नहीं थी। बम्भोर शहर के बाजू में दरिया बहता है, तो मोहम्मद खट्टी अपना कपड़े धोता था, तो उसको एक संदूक मिला दरिया से, दरिया के अंदर बहता हुआ संदूक। जब उसने उसके हाथ लगा तो उसने संदूक को खोल के देखा तो माशाल्लाह उसमें एक नन्ही मुन्नी सी शहजादी बेटी। तो मोहम्मद खट्टी को पहले औलाद नहीं था, फिर उसने उसको पाला पोसा बड़ा किया। तो मकरान केच मकरान कहते हैं वहाँ का जो बादशाह थे, वहाँ के जो ताजर लोग थे, तो उनके जो बंदे थे वो यहाँ व्यापार करने आते थे, अपने सौदे सामान लेके आते थे। तो उसके कुछ बंदे आए केच मकरान के, तो उन लोगों ने शशि को देखा, तो शशि माशाल्लाह हसीन थी, उसके हुसन के मुताबिक उन लोगों ने जाके अपने बादशाह के बेटे को बयान किया कि भाई हमने आपके हुसन के मुताबिक शहजादी देखा है बम्भोर शहर में जो बिल्कुल आपके लायक है। तो वहाँ से उस शहजादी का नाम था पुनू, जिसको हम पुनल गोट भी कहते हैं।
और पुनो साई भी कहते हैं, ससी पुनो, पुनो के नाम से, ससी पुनो के नाम से मशहूर है, बहुत मशहूर है। तो पुनो ने ससी के हुस्न के दास्तान सुने, फिर पुनो अपने बाप से इजाजत लेके व्यापार के सिलसिले में अपने साथियों के साथ बंबोर शहर में पहुंचा। फिर वहां पे आके ससी के हुस्न का जलवा देख के उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। माशाल्लाह। उसके बाद पुनो वहीं पे रहने लगा, बंबोर में रहने लगा और उस मोहम्मद गट्टी के पास जाके नौकर बना, कपड़े धो रहा था। तो कहाँ बादशाही और कहाँ धोबी, तो धोबी बन गया और उसके बाद वो कपड़े धोने लगा ससी के इश्क में। फिर ऐसा लगा मोहम्मद खट्टी को, गए ये भी हमारे बिरादरी का है, खट्टी बिरादरी का है, कपड़ों का काम करता है, धोबी का काम करता है। तो रिश्ता मांगा गया ससुई का और मोहम्मद खट्टी ने रिश्ता तो दे दिया ससुई का। जब रिश्ता हुआ, शादी होने की तैयारी हुई, तो वहाँ पे मकुरान पे इसके भाई जो थे, इसके वालिद साहब जो थे, उसको पता लगा कि भाई पुनुल जो है हमारा बेटा, हमारा भाई पुनु, वो किसी मजाजी औरत के इश्क में गिरफ्तार होके बंबोर शहर में बैठा हुआ है, मजनू बन के बैठा हुआ है और अपन हमारे रिवायत के खिलाफ उसके साथ शादी कर रहा है। मतलब हमारे कबीले में नहीं है, हम लोग बादशाह हैं, शहनशाही वाले हैं और ये किसी रवायती औरत के साथ इसका निकाह होना या शादी होना उन लोगों को तस्लीम नहीं था, काबिले कबूल अच्छा नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था। तो फिर उन लोगों ने वहाँ से अपने बंदे भेजे कि जाओ भाई किसी भी हालत में, पुनल के वालिद साहब ने बंदे भेजे थे कि भाई किसी भी हालत में जाके पुनु को लेके आओ, वापस लेके आओ, हमें मुझे सिर्फ पुनु चाहिए। तो जब यहाँ पे आए तो माशाल्लाह शादी के पूरे तकरीबात शुरू थे, सिस्टम किया हुआ था पूरा, तो महफल सजा हुआ, तो ऐसे कहते हैं हमारे सिंधी में कि पुनल जा भायरब एन मौके पे पूजिया, पुनल जा भायरब एन मौके पे पूजिया। तो पुनु के भाई आए, जब भी कोई बात होती है ना तो हलंदड़ महफल में सही पुनल जा बार पूजिया, हलंदड़ महफल में पुनल जा बार एन मौके पे, दास्तान बहुत मशहूर है इसका। ये तो हम तो कुछ नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन इसके बड़े बड़े दास्तान भरे हुए हैं। तो पुनु के भाई आए, उन लोगों ने देखा तो ये सिस्टम तो हो रहा है भाई, अभी शादी हो रहा है, अभी हम कैसे इसको रोके। तो उन लोगों ने एक चाल चली, उन लोगों ने बोला भाई हम भी एनी टाइम पे आ गए, पुनु से मिले, मुलाकात की है, बोला हम शादी में शामिल है आपके, निकाह में शामिल है आपके। तो उन लोगों ने महफल में उस शादी के मजलिस में ऐसा कोई नशा फैलाया जो हर कोई उस नशे में गिरफ्तार हो गया। फिर खुदा जाने उन लोगों ने कोई खुशबू के जरिए नशा फैलाया या तो खाने में मिक्स किया कोई नशा, हर कोई नशे में गिरफ्तार हो गया। तो जब पुनु गया अपनी दुल्हन के पास, ससुई के पास, तो ससुई के पास पुनु नहीं गया, ससुई अपने सेज पे अकेली सोई हुई थी। तो ससुई ने कुछ सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ जब तक मेरा मियाँ साहब आ जाए, मेरा दूल्हा साहब आ जाए पुनल। जब ससुई सो गई तो सुबह उठी, ना पुनल आया, ना पुनल के कोई रिश्तेदार है, ना पुनल का कोई दोस्त है। तो वो रातों रात पुनल के भाई जो थे उसको नशे में गिरफ्तार करके उसको वापस ले गए थे। ये कहानी तो बहुत लंबा है, फिर इंशाल्लाह हम आपको मजीद आगे बताएंगे। ये है वो शहर बंबोर जिसकी हम बात कर रहे थे। हाल ही बारिशों की वजह से ये शहर ऐसे खूबसूरत बन चुका है कि नारान और कागान का मंजर पेश कर रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हर नए आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से हम मज़ीद आपको आगे आगाही नहीं कर सकते।
और इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते दोबारा आएंगे और आगे का मंज़र आपको ज़रूर शूट करके बताएंगे।